कोहली साहब, पहले तो उत्तर दीजिए इनकी बात का, फिर आपके लिए एक सवाल है मेरे पास। मैं दस सेकंड और चाहूंगा ताकि नलिन जी जो है सही जवाब दे पाए। नलिन जी मैं 10 सेकंड और चाहूंगा, मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा ताकि वो जवाब दे। मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जी, ये जवाब देते नहीं बना। प्लीज किसी दूसरे चैनल की प्रॉपर्टी है तो प्लीज मत दिखाइए। आप खुद से बता दीजिए कि बयान क्या है, आपकी बात पे भी उतनी जनता को भरोसा हो जाएगा। एक बार आप सुनिए, आप ऐसे ही बता दीजिए, भरोसा हो जाएगा किसने बोला क्या बोला। आपकी बात में मान लूंगा, मैंने कहा ना बेहतर सुनाई दे जाएगा। ठीक है, फिर जवाब देखिए, इसमें आप ही के पत्रकार साथी ने माननीय गृह मंत्री जी से पूछा था कि आखिर हेमंत बिस्व शर्मा जी भ्रष्टाचारी हैं या नहीं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के जवाब नहीं करने चाहिए। ठीक है, उनके पास भी जवाब नहीं था। जवाब दीजिए। नहीं, जो भ्रष्टाचार में ऊपर नीचे का टाइम हो गया सर, आप अरे अनमोल जी अब भाषण छोड़ दीजिए ना। आपने 3 बार सवाल पूछा, 10 सेकंड बोला, मुझे तो बोलने दीजिए। अच्छी डिबेट चल रही है, जनता को तय करने दीजिए ना किसके शब्दों में ज्यादा तर्क है। बोलिए नली, तो अब आइए इसमें वापस आ जाते हैं। ठीक है, आज तक केजरीवाल जी जवाब दे नहीं पाए, आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उसका हमेशा काउंटर जवाब होता है, इन्होंने ऐसे क्यों किया। अरे भाई, ये थोड़ी ना जवाब है जो आपके ऊपर भ्रष्टाचार है भाई। ये हेमंत शर्मा जी पे क्या है अनमोल जी, इस पे थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर में हेमंतो जी ने ना मानहानि का केस किया है वहां गुवाहाटी में। अभी तो मनीष जी जेल में है तो इसलिए जा नहीं पा रहे। तो ऐसा ना, इसको कहने से पहले आप लोगों को गंभीर रूप से सोचना चाहिए, क्योंकि हेमंत जी को मैं खुद भी बता दूंगा कि एक और मानहानि का केस बन रहा है झूठे बात कहने के लिए। हेमंत शर्मा जी के बयान को निकाल लिया पहले, मैं फिर बता रहा हूं, 2014 में वो विटनेस के बतौर बुलाए गए थे, डिस्चार्ज हो गए थे। 2015 में बीजेपी आए, डिस्चार्ज होने के बाद बीजेपी में आए। ये जानकारी नहीं है, पर हर बार गलत बात करते हैं, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति हमेशा है। दूसरी बात, जिस मर्जी की और बात करनी है, जितने लोग हैं राजनीतिक रूप से हम उन पर आरोप लगाए, जांच में कोई इंटरफेरेंस है क्या? जांच तो चल ही रही है, जांच अगर बंद होगी चलेगी, वो तय करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई। आपके केस में जांच हो रही है, उस जांच के साथ तो कोऑपरेट करेंगे नहीं। दो मंत्री एक सहयोगी केजरीवाल जी के जेल में है। जेल में क्यों है? क्योंकि क्या जांच एजेंसी ने कोटो को खरीद रखा है क्या? क्योंकि जांच एजेंसी ने कोटो को चला रही है बैकडोर से क्या? कोर्ट्स को भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, वो लोगों को बेल नहीं मिल रही। बेल में मुखिया को बुलाया जाता है, बताइए वो मुखिया अरविंद केजरीवाल जवाब देने को तो तैयार है नहीं। फिर अरविंद केजरीवाल बहाने बना रहा है, जिस आदमी के साथ सचखंड होता है पूरा वो श्रम, वो आदमी बहाने क्यों बनाएगा कि विपसना में हूं? विपसना में तो भाग रहे हैं फिर वो, और फिर जब उनकी जांच शुरू होती है, मुझे पता नहीं है। मतलब खुद तो जवाब देने वाले नहीं आदमी है, दुनिया भर से जवाब पूछेंगे। चैनल खोल लो ना भाई, केजरीवाल जी को एंकर बना लो, जो एंकर आपके साथ था उसको भी पार्टी के बाहर भेज दिया आपने। ठीक, अनमोल साहब, आप तो कोहली साहब आप तो मान रहे हैं कि आपने जिन भी बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को, जिन्हें आप कहते थे, जिन्हें आपने अपनी पार्टी में शामिल किया, उनके खिलाफ जांच चल रही है। देखिए, ये बहस जाएगी तो दूर तक जाएगी। अरे आप भी रोज लिस्ट लेके बैठते थे कि लालू यादव करप्ट हैं, अब उनके साथ आप सर अलायंस कर रहे हैं। एक सेकंड, मुझे बताइए ना कि ये तो लिस्ट आरोप प्रत्यारोपों की बहुत लंबी चली जाएगी ना। देखिए, तो जवाब देना कांग्रेस पार्टी के 10 नेताओं की लिस्ट लेकर बैठते थे कि इनको जेल में होना चाहिए, उनको जेल में होना चाहिए, फलाने को जेल में होना चाहिए, ये तो बहुत लंबी चली जाएगी। देखिए, ये मोरल लेक्चर का टाइम नहीं है, ये दायित्वों का समय है कि दायित्वों का निर्वहन कैसे होगा। और ये नलिन कोहली साहब ने इनकी जगह ये सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं। ये जो नैतिक भाषण की बात है ना, ये नैतिक भाषण की बात पे कोई राजनीतिक दल खड़ा नहीं उतरता सर, प्लीज। नैतिक भाषण है या नहीं है, नहीं, ये जनता को तय करने दीजिए। जनता ही तय कर रही है ना सर, जनता ही तय कर रही है। आपको जो तय करना है आप वो कर लीजिए ना। आपको ये तय करना है कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, आप बता दीजिए क्या प्रोसेस होने वाला है। आपको ये तय करना है, आप रूलिंग पार्टी में है, भूल जाते हैं क्या? राम जी, एक सरकार आप भी चला रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए ना, तो दीजिए ना कि कैसे चलेगी सरकार। ये पॉलिटिकल तकरीर के लिए थोड़ी मंच है, आप दीजिए दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी उसका जवाब दीजिए। आपके टीवी पे, वो आपके शो पे बैठ के ये कह रहे हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी, जिनका वो कहते थे कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन्हें उन्हें अपनी पार्टी में संरक्षण दिया और बड़े बड़े पदों पे वो आज वो आसीन है, वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जांच अभी चल रही है।
तो अगर जांच चल रही है तो ऐसे लोगों को आपने अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया? अरे भाई जांच से भाग थोड़ी ना रहे हैं अनमोल जी, मैं पॉइंट भाग आपके नहीं सर है, भाग केजरीवाल भाग हो गया है बिल्कुल, वापस वापस भाग के बाद भाग केजरीवाल भाग हो गया, जांच चल रही है, आदमी सचिन भाग रहा है, चल रही है, क्या होगा जिन पे जांच चल रही है सर वो इधर इधर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पे जांच चल रही है वो उधर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का टाइम वेस्ट मत कीजिए। नलिन कोहली साहब मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है दिल्ली के लोगों के लिए, आपके भी दायित्व हैं, केंद्र सरकार के भी दायित्व हैं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अगर अरविंद केजरीवाल, आपने कहा कि आपकी जो कानूनी समझ है वो भी ये कहती है कि अंदर से सरकार नहीं चल सकती, तो फिर जल्दी कीजिए ना, आप क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं? जो भी दायित्व केंद्र सरकार के हैं, उपराज्यपाल के हैं, उनका निर्वहन भी जल्दी कीजिए ताकि दिल्ली की समस्या का समाधान हो। राम शर्मा जी, जी दिल्ली की जनता की सेवा करने का दायित्व जो भी प्रतिनिधि है हर स्तर का, काउंसलर, एमएलए, एमपी या यहां सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री, वो कैसे करते हैं सेवा का? वो संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान के शपथ का मतलब क्या है? जनता की सेवा करना। मतलब ऐसा कोई आपने प्रावधान कहीं पर भी देखा है कि जनता का सेवा करना जेल से होता है? जी, जहां पर जेल कैदी होता है आदमी, उसके अधिकारों के ऊपर में रोक लगाई जाती है, वो जहां चाहे घूम नहीं सकता, जिससे चाहे बात नहीं कर सकता, मन चाहे चिट्ठियां नहीं लिख सकता, मन चाहे कागज नहीं मंगवा सकता है, फाइलें नहीं मंगवा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं मंगवा सकता। सर मैं आपकी योग्यता का कायल हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जवाब दीजिए इस वक्त कि आपके जो दायित्व हैं, मैं केंद्र सरकार के दायित्वों की बात कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि यह प्रोसेस हो ही नहीं सकता लीगली, ये सरकार चल ही नहीं सकती लीगली, तो वेट क्यों कर रहे हैं? जो चीजें हैं उनको जल्दी क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते? देखिए आपका आपका सवाल जो है घूम फिर कर है, मैं एक वकील भी हूं तो डायरेक्टली उसका जवाब देता हूं, धन्यवाद वो अच्छे शब्दों के लिए राम शर्मा जी। राममोहन जी देखिए ऐसा है, आप जो बात कर रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त करिए, सरकार को बर्खास्त करना भी प्रावधान जो है संविधान में है, आर्टिकल 356, बर्खास्त किया जा सकता है कोई भी सरकार, एक कानूनी पहलू है। अब आप एक बात देखिए, ये कानूनी पहलू का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसके कई एस्पेक्ट्स होते लेने से पहले, ठीक है ना, तो मुझे लगता है इसको इतने हल्के में नहीं कह सकते हम कि मूड से नहीं जाता है, इसके ना कई कानूनी पहलू है, ठीक। लेकिन दूसरी बात है, आप केजरीवाल जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी क्या चाह रहे, सेवा भाव नहीं है, ठीक सर, सब समय हमारे पास इतना ही। अनमोल जी, नलिन जी, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो राजनीति इसी तरह से चलती है जिसमें सीधे जवाब आपको शायद ना मिले, लेकिन समय के साथ उनके जवाब देने नेताओं को ही पड़ेंगे। जीनी